हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। दिल्ली कैंटोनमेंट के परेड ग्राउंड में आर्मी की परेड होती है। 15 जनवरी को देश को पहला भारतीय आर्मी जनरल मिला था। इस दिन जनरल केएम करियप्पा ने थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। देशभर में आज मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा, आप सभी को प्रकृति के रंगों से सराबोर परंपरा और संस्कृति से भरे मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति की काफी मान्यता है, जिसमें दान पुण्य किया जाता है और देवताओं को याद किया जाता है। सोमवार सुबह ही देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति के त्यौहार के दिन श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ गिरफ्तार हिजबुल आतंकी नवीद बाबू से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि नवीद का भाई चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था, उसके माँ बाप दिल्ली में रहते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एलओसी की दूसरी तरफ सोमवार और मंगलवार को नीलम घाटी में जबरदस्त हिमस्खलन हुआ था। इसमें कम से कम 57 लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। दुनिया की राजनीति पर भारत का वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग मंगलवार को शुरू हुआ, जिसमें 7 पूर्व राष्ट्राध्यक्षों ने दुनिया के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर अपने विचार रखे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी जानलेवा साबित हो रही है। कुपवाड़ा में हुए हिमस्खलन के दौरान शहीद हुए जवानों में यूपी के कुशीनगर का लाल भी शहीद हो गया। यहां के दुमही गांव के रहने वाले चंद्रभान चौरसिया नियंत्रण रेखा की रखवाली के दौरान बर्फीले तूफान का बहादुरी से सामना करते हुए शहीद हो गए। सेना के जवान की मौत की सूचना पाकर परिवार के साथ पूरा इलाका गमगीन हो गया है। अपने लाल के लिए पूरे क्षेत्र के लोगों की आंखें नम हो गई है। गोरक्षनाथ मंदिर में भी भव्य तरीके से मकर संक्रांति मनाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर की भूमिका में नेपाल के राजा की खिचड़ी चढ़ाई, इसके बाद दूसरे श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। इस मौके पर होने वाले पारंपरिक खिचड़ी मेला के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। यहाँ की सुरक्षा के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। वहीं लोगों से पॉलिथीन में खिचड़ी न लाने की अपील भी की गई है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 64वां जन्मदिन है। इस मौके पर वो लखनऊ में किताब ब्लू बुक का विमोचन करेंगी। पिछली बार की तरह बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मायावती ने लखनऊ में माल एवेन्यू स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यूपी में लखनऊ के पहले एडीजी सुजीत कुमार ने पुलिस कमिश्नर का संभाल लिया है पद और बुधवार सुबह उन्होंने ये जिम्मा लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, मैं पूरी ईमानदारी से उसे निभाऊंगा। वाराणसी नगर निगम के अपर नगर आयुक्त की ने नंगा गंगा की स्वच्छता को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। इसके साथ ही गंदगी के निस्तारण के लिए भी व्यवस्था की गई है। अपर आयुक्त की मानिए तो गंगा में पूजा की सामग्री फेंकने से लेकर घरों के निकलने वाले नाले और घाट किनारे बसे होटलों से निकालने वाली गंदगी को लेकर जुर्माना बढ़ाया गया है। हरिद्वार में भी मकर संक्रांति स्नान पर श्रद्धालु लगा रहे हैं मां गंगा में आस्था की डुबकी। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ रही है। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं। उत्तरकाशी के पौराणिक माघ मेले बड़ा हाट क्लूथ होले का केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, गंगोत्री के विधायक गोपाल सिंह रावत, यमुनोत्री के विधायक केदार सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने शहीदों के परिजनों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया।
पिथौरागढ़ की विधायक चंद्रा पंत ने लंदन फोर्ट में क्राफ्ट सेंटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर विधायक चंद्रा पंत ने कहा कि क्राफ्ट सेंटर स्थापित होने से लोगों को पहाड़ी संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा, साथ ही कई लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक लंदन फोर्ट में क्राफ्ट सेंटर तैयार किया गया है। चमोली स्थित पंच बद्रियों में से एक भगवान आदि बद्री धाम के कपाट मकर संक्रांति के दिन सुबह 4 बजे खोले गए हैं, जिसके बाद आज भगवान आदि बद्री धाम को गेंदे के फूल से सजाया गया है। कपाट खुलने के बाद मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। रामनगर में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक पर्व उत्तरायणी की पूर्व संध्या पर पांचवा बुराशा महोत्सव का आगाज हो गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रंजीत रावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बुराश महोत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी है। इस दौरान लोग काफी संख्या में मौजूद भी रहे। प्रयागराज में मकर संक्रांति के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया। माघ मेले के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति के मौके पर प्रशासन ने 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम में आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान लगाया है। वहीं 2560 बीघे में बसाए गए माघ मेले को 3 जोन और 7 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके साथ ही मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में 6 स्नान घाट बनाए गए हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का आगाज हो गया है। अलग अलग संस्थाओं स्कूलों की तरफ से सांस्कृतिक झांकी के साथ उत्तरायणी मेले को हरी झंडी दिखाई गई है। मेले का उद्घाटन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को करना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी ने मेले का उद्घाटन किया। मकर संक्रांति के पर्व पर गाजीपुर के ददरी गंगा घाट पर मकर संक्रांति के पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा डुबकी लगाई, साथ ही गंगा घाट पर सूर्य देवता की पूजा अर्चना भी की। इसी के साथ आज के दिन लोग बढ़ चढ़ कर ब्राह्मण और गरीबों में दान पुण्य भी करते दिखे। तेहरान में यूक्रेन के यात्री विमान को मार गिराने के मामले में ईरान ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने प्लेन को मिसाइल द्वारा हिट किए जाने का फुटेज दिखाया था। इराकी एयरबेस पर एक बार रॉकेट से हमला कर दिया गया। इराकी पुलिस को उसके एयरबेस पर रॉकेट हमले की सूचना पहले ही मिल गई थी। इस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। हमले में जान माल के नुकसान की खबर नहीं सामने आई है। प्रयागराज संगम किनारे एक माह तक चलने वाले माघ मेले में एक से बढ़कर एक साधु महात्मा संगम किनारे दिख जाएंगे। ऐसे ही एक अनोखे साधु भी मेले में मौजूद नजर आया, जिन्होंने बाल की जगह सर पर ही उगाए हैं। उनका ये प्रण 11 साल का है। इन्होंने देखने के लिए लोगों की खासी भीड़ लग रही है। फतेहगढ़ पुलिस लाइन को मिला है नया मेहमान, पुलिस का दूसरा खोजी कुत्ता। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद अब वो कुत्ता तैयार हो गया है। राजा फतेहगढ़ पुलिस को दूसरा कुत्ता मिल गया है, जिसके बाद पुलिस के पास पहला कुत्ता ऑस्कर पहले से ही मौजूद है, जो पिछले 5 सालों से विभिन्न आपराधिक वारदातों से पर्दा हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुका है। बहराइच में रिश्वत लेते हुए दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। रिश्वत लेते दरोगा एसएन यादव का वीडियो देखने के बाद एसपी ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। रिश्वतखोर दरोगा कोतवाली नानापारा के मटेरा चौकी पर तैनात था। मुजफ्फरनगर में तेंदुआ दिखने से लोगों में सनसनी फैल गई है। जिले के भौकरहेड़ी खादर क्षेत्र में रात में खेतों में काम कर रहे किसानों को तेंदुआ दिखा, जिसके बाद 5 दिन से लगातार तेंदुआ आसपास क्षेत्र में ही दिखाई दे रहा था, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ सहित 14 जिलों में 3,500 लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी पर कार्यवाही करने के लिए बिजली वेंटिलेशन टीमों को मॉर्निंग रेड पर निकाला, जहां टीमों ने नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ सहित सभी 14 जिलों में छापेमारी की।
तो चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। टीम ने इस दौरान सभी 14 जिलों से 3,500 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। मथुरा में वृंदावन पुलिस ने कॉलेज की शिकायत पर भंडाफोड़ करते हुए महाविद्यालय के छात्रों के स्थान पर परीक्षा देने वाले 18 मुन्ना भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सर्वोदय महाविद्यालय चौबुहा का है, जहां छात्रों की बीएससी एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी की पुनः परीक्षा थी। सभी मुन्ना भाइयों को राजीव अकेडमी से परीक्षा देते हुए कॉलेज के सचल दल ने पकड़ा है और पुलिस को सौंप दिया है। यूपी के मऊ जिले में कोहरे चादर की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बेहद ठंड से लोगों को आवाजाही में नुकसान हो रहा है। लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस जल्द आंदोलन शुरू करने जा रही है, जिसे जिला महानगर नगर स्तर से प्रत्येक ब्लॉक तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस का ये आंदोलन केंद्र सरकार का महंगाई की तरफ ध्यान देने के लिए बनाया गया है। वहीं दो दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 41,760.41 पर आ गिरा। निफ्टी 64 पॉइंट के नुकसान के साथ 12,258.55 पर बंद हुआ। इस गिरावट का सबसे ज्यादा नुकसान विप्रो और इंडेंस के शेयरों में देखने को मिला। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस मंगलवार को भारत पहुंचे और महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि सफेद कुर्ता और नारंगी जैकेट में दिख रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में नई नौकरियों के अवसर पर एक साल पहले की तुलना में 16 लाख कम सृजन होने का अनुमान है। एसएसबी रिसर्च की रिपोर्ट इकोरैप से ये जानकारी मिली है। पिछले वित्त वर्ष में कुल 79.7 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए थे। यूपी सरकार 27 जनवरी से गंगा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा की शुरुआत बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बलिया में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। ये यात्रा गंगा किनारे के 26 जिलों से गुजरेगी। 1025 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन 30 जनवरी को कानपुर में होगा। यूपी के ललितपुर जिले के सुनारी गांव में दबंगों द्वारा मिट्टी खोदकर पानी के प्रेशर द्वारा अवैध चाइना बालू बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के चलते दबंगों ने किसानों के खेतों में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर और जेसीबी चलाकर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खुलेआम अवैध खनन के बाद भी जिला प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा गार्ड को युवक को रोकना महंगा पड़ गया। युवक ने सुरक्षा गार्ड को अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर पीटा। इतना ही नहीं, सुरक्षा गार्ड पर पिस्टल तानकर गार्ड को डराने धमकाने की भी कोशिश की गई। मामला तब शुरू हुआ जब युवक अंधेरे में नंबर प्लेट वाली गाड़ी से सोसाइटी में घुस रहा था। लखीमपुर खीरी में नवोदय विद्यालय में शैक्षिक स्तर ठीक नहीं है। डीएम को निरीक्षण में कई खामियां मिल रही है, जिसके लिए जिलाधिकारी ने शिक्षकों को डांटा भी है। डीएम ने बच्चों के खाने को भी जांच की है और शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए भी कहा है। जालौन में आए दिन बालू घाटों पर बवाल होता रहता है। ताजा मामला डकौर थाना क्षेत्र के बंधौली घाट नंबर का है, जहां एक ड्राइवर का घाट पर तैनात मुनीम के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद ट्रक का मालिक आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद साथियों के साथ घाट पर पहुंचकर मुनीम के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में मुनीम घायल हो गया है। 8 जनवरी की शाम से कश्मीर के गुलमर्ग में लापता हुए जवान राजेंद्र सिंह नेगी, अब तक भी उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसे में राजेंद्र नेगी के पिता ने केंद्र सरकार से मार्मिक आग्रह किया है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ निकाले। रामपुर जिलाधिकारी अजनय कुमार सिंह देर रात जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रैन बसेरा स्लॉटर हाउस को चेक किया कि कोई भी तिरामदार सर्दी में खुले में तो नहीं सो रहा। साथ ही जिलाधिकारी ने अस्पताल पुलिस चौकी का भी निरीक्षण किया।
यूपी के बरेली में बदमाशों ने सरेआम एक थानेदार के परिजनों को बंधक बनाकर डकैती की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी अपने साथ ले गए। थानेदार की पत्नी रुचि गंगवार ने बताया कि बदमाशों ने पूरे घर की तलाशी ली और जितना भी कैश और ज्वेलरी रखी थी वो लेकर फरार हो गए। मसूरी के टेरी बाईपास रोड पर देर रात एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और 108 मौके पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर खाई से निकालकर इलाज के लिए देहरादून हायर सेंटर ले जाया गया। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म 83 को लेकर पिछले काफी समय से लगातार चर्चे में बने हुए हैं। इन दिनों एक के बाद एक फिल्म के पोस्टर्स रिलीज भी किए जा रहे हैं। रणवीर सिंह फिल्म जयेश भाई जोरदार में भी नजर आने वाले हैं। आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली की फिल्म में नजर आने वाली है। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। आलिया भट्ट ने फर्स्ट लुक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और अमिताभ बच्चन ने एक टिकटॉक स्टार का वीडियो शेयर कर उसे रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बना दिया है। इस टिकटॉक का नाम युवराज सिंह है और लोग इसे जैक्सन बाबा के नाम से भी जानते हैं। अजय देवगन और सैफ अली खान की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर रिलीज के बाद से ही धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने पांचवें दिन 250 कमाई करते हुए 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इस हिसाब से तानाजी द अनसंग वॉरियर ने 5 दिनों में 90 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो चुका है। सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया को 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। जिस टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जैसे धुरंधर गेंदबाज हो और वो टीम विरोधी का एक भी विकेट नहीं गिरा पाए तो इससे बुरा क्या ही होगा। बता दें कि पिछले 15 सालों में ये टीम इंडिया की सबसे शर्मनाक हार है। साल 2005 में भारत ने आखिरी बार कोई वनडे मैच 10 विकेट से गंवाया था। 2 साल बाद कोच पर उतरी भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने जीत के साथ वापसी करते हुए होबाल्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में यूक्रेन की नादिया किचनोक के साथ महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने 2018-19 में सबसे ज्यादा 6,637 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस मामले में उसने हमवतन रियाल मैड्रिड को 660 करोड़ रुपए के अंतर से पीछे छोड़ दिया है। रियाल ने 5,990 करोड़ रुपए की कमाई की है। कॉमेडी का तड़का लगाने वाले टीवी शो द कपिल शर्मा शो लोगों को काफी पसंद आता है। अर्चना पूरन सिंह शो में परमानेंट गेस्ट की भूमिका निभा रही है, लेकिन अब शो में एक बार फिर सिद्धू नजर आने वाले हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अर्चना सिंह शो में सिद्धू के पहुंचने पर क्या करेगी।